Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. और कोई पेड़ नहीं दिखेगा, सिर्फ ये कांटे वाले बम्बू दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही पेड़ होते हैं बस। और मैं बना जा रही हूँ कद्दू की सब्जी और रोटी बनेगी। दिख गई है, वो खड़ी है, गाय ने गले में बेल्ट लगा रखी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सुबह के बज रहे हैं 6, मैं उठी थी 5 बजे और 6 बज गया है अभी। मुझे काम करते करते बच्चों का टिफिन वगैरह बन गया है, जैसे मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूँ वैसे ही कुत्ता पागलपन चालू कर रहा, मन कर रहा है उसको कुचल दूँ मैं। सो पंखा मैंने बंद कर दिया क्योंकि बाहर कमरे में ठंडी लग रही है, मौसम हल्का हल्का ठंडा हो गया है, बाहर कमरे में ठंडा लगने लगता है। सो अभी लाइट जलती है, लैम्प नहीं बन गया तुम लोगों ने, ये लैम्प जल रहा। सो मैं और चेहरी जो है बाहर सुअर घूम रही हैं तो उनकी वजह से बाहर नहीं जाता। टाइसन पागल हो जाता है यार। लड़का तैयार हो गया, यहाँ पे बैठ गया खा। आज इसने फरमाइश की थी उस हिसाब से इस ब्रेक वो बनाया इनका लंच, जो कि बेटू ने खा लिया है लेकिन बेटू लेके नहीं जा रही है। और चेरी हिम्मत करके बाहर आ गई है और यहाँ पे आप देख सकते हो गोबर ही गोबर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी गंदा मचा दिया है क्योंकि गाय जो है ना, लाइट जलती है ना बाहर की, तो रात में रोशनी में यहीं बैठ जाया करती है आके, और सुबह जाने से पहले पॉटी करके चली जाती हैं। हाँ, वो सुअर घूम रही हैं और मुर्गे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी इतने यहाँ पे। किसी एक ने, वो उधर बाबा रहते हैं, उन्होंने मुर्गा पाल रखा है, वो सुबह सुबह कुकड़ों को बोलता रहता है। बादल है अभी, धूप का कोई नामो निशान नहीं, उजाला अभी अभी हुआ है क्योंकि आजकल अब 6 बजे उजाला होने लगा है। सुनाई दे रहा है कितना, मतलब शांति भरा माहौल रहता है, चिड़िया चहचहा रही है एकदम, लोग अपने अपने घरों में कामों में सुबह सुबह यहाँ लग जाते हैं। दरवाज़ा सबसे पहले सब लोग दरवाजे धोते हैं। सो चलिए, अभी बच्चों के रिक्शा वाले नहीं आए हैं, जब आ जाएंगे तो फिर बच्चे चले जाएंगे, रिक्शा वाले आ जाएंगे, भैया चले, बच्चे चले जाएंगे और मैं लग जाऊँगी काम में। और ये सामने का गोबर जो है, ये बाहर के कुत्ते भौंकने लगे यार, बड़ी बदतमीजी है। सो ये गोबर मुझे उठा के फेंकना पड़ेगा, नहीं ऐसे ही फैला पड़ा रहेगा। भैया सबके घर के गोबर गिन रहा है, कितने किसके पास गोबर है। और बादल हैं, देखो शायद आज फिर बारिश हो, देखते क्या। अब मौसम जो है सुबह सुबह ना हल्का हल्का सा ठंडा होने लगा है, तो इस बार मुझे लगता है ठंडी जो है ना वो थोड़ी जल्दी पड़ेगी, क्योंकि हर बार नवंबर के लास्ट से पड़ना स्टार्ट होती थी, दिवाली के बाद ही शुरू होती थी, बट इस बार लग रहा है थोड़ी जल्दी पड़ने लगेगी क्योंकि अभी बारिश हो रही है। देखते हैं, पता नहीं, एक दिन धूप निकल आती है ना तो गर्मी हो जाती है। कुत्तों में लड़ाई हो रही है, लग रहा है उनके मोहल्ले में कोई दूसरा कुत्ता घुस गया है। चेरी डर गई हमारी, चेरी माता डर के मारे अंदर भाग गई। तो मैं यहाँ पे बैठ के क्लीनिंग करने लगी थी जो भैया हमारा फैलाता है। ये जितना भी बिस्तर में फैला हुआ दिख रहा है ये सारा का सारा भैया का फैलाया हुआ है, उसके अलावा बेटू बिल्कुल भी नहीं फैलाती है कुछ भी, सारा कबाड़ भैया फैलाता है। सारी बुक्स वगैरह मुझे उसके अंदर कमरे में भी सेट करके रखनी होती है, बाहर कमरे में भी रखनी होती है, क्योंकि आधी उसके अंदर पड़ी होती है आधी बाहर पड़ी होती है। बिस्तर में कपड़े पड़े होते हैं फैले, डेली एक नया कपड़ा निकालेगा, फेंकेगा और चला जाता है बस। और ये जो रखा है ना, ये पेंटिंग मैंने मंगाई थी, रखी हुई है। वैसे मैंने इसका शॉर्ट अपलोड कर दिया था, तो मैं इसको अभी जब वॉल पे स्टिक करूँगी ना तब मैं दिखाऊँगी कि कैसी है, और देखते कहाँ पर लगाती हूँ मैं। तो ये सारी कापी किताबें जो है ना, मैं इसकी सेट करके और जो यूज़ का है जो नहीं है, पन्ने फाड़ फाड़ के जो फेंकता रहता है, वो सब हटा दूँगी। लेकिन अगर मैं शाम तक, मुझे याद रहा, अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई तो मैं रिकॉर्ड करके वीडियो क्लिप जो है ना वो ज़रूर ऐड कर दूँगी, कि ये शाम को ना फिर ऐसे ही पूरे तख्त में फैला देगा, बिल्कुल भी मतलब सफाई नहीं रह सकती। सो क्लीनिंग कर लूँगी, तभी मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि कल मैं ये लड्डू और नारियल वगैरह लाई थी तो सिद्ध बाबा में, आज शनिवार है तो प्रसाद चढ़ा दूँगी। और मैं ही जाके ले जा रही हूँ क्योंकि बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और बारिश हल्की हल्की फुहार जैसी हो रही है। सो मैंने छाता यहाँ पे दबा लिया है, अब उतनी तेज नहीं, हल्की सी एकदम ऐसे फुहार जैसी है अभी, वो भी धीरे धीरे बंद हुई जा रही है। सो चलते हैं मंदिर और
भगवान के दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। ये बाबा जी की गाय जो उन्होंने पाल रखी, यहाँ जो रहते हैं। सब पूजा हो गई है और अब हम चलते हैं घर। और मंदिर में कुछ काम चल रहा है, कुछ बन रहा है। मतलब पहले कुछ भी नहीं बन रहा, मतलब होता था यहाँ पे, पर जब से बाबा जी रहने लगे ना तो कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है और मंदिर थोड़ा बहुत बनता जा रहा है और मंदिर का भी विकास होता जा रहा है। ठीक है, नहीं पहले ऐसे ही सुनसान ये पड़ा रहता था, यहाँ पे लूंगा लफाड़ी पे चला करते थे। सो चलते हैं अब घर। इतना बारिश होने के बाद ना एकदम पूरा जंगल ही जंगल हो जाता है और चारों तरफ और कोई पेड़ नहीं दिखेगा, सिर्फ ये कांटे वाले बम्बू दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे यही पेड़ होते हैं, बस इसके बीच सारी जगह फैल जाते हैं और ये चारों तरफ ऐसी बम्बू ही बम्बू। और इसके कांटे जो है ना सूख के जब गिर जाते हैं टूट के, तो ये बहुत ज़्यादा गाड़ी के पहियों में घुसते हैं और गाड़ियाँ पंचर होती रहती हैं। सो चलते हैं घर। आ गए हैं घर और बेटू बहुत गोरी लग रही है हमारी। बेटू तो काली है बट फाउंडेशन नहीं लगा। और मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी और रोटी बनेगी और साथ में एक और ये कद्दू यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इसने मार दिया चाकू। सो मैं कट कर लेती हूँ, खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। सो खाना वगैरह हमने खा लिया है और जो मैं मिठाई बना रही थी वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसको मुझे कंप्लीट, मतलब मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो ठंडा होने के बाद ही उसमें शेप आएगा, तो उसको करने जा रही हूँ। और हमने खाना खा लिया, भैया खाना नहीं खा रहा क्योंकि भैया कुछ करने में लगा हुआ। भैया को मैं अभी दिखाऊंगी नहीं क्योंकि वो बिना कपड़े के अपने पापा जैसा है, मतलब बिना कपड़ों के थोड़ा दिखा बिना कपड़ों को घूमता रहता है। और चेरी तुम कमरे के अंदर कैसे घुसी, तुम कमरे के अंदर कैसे घुसी? मैंने तुमको मना किया है ना तुम कमरे के अंदर नहीं आओगी, मना किया है ना तुमको कमरे के अंदर नहीं आओगी, फिर तुम कैसे घुसती हो कमरे के अंदर? बाल बाल भर देती हो, चलो बाहर, तुम्हारा बाहर वाला कमरा है ना वहीं रहो जाके, चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ अपने कमरे में, जाओ चलो अपने कमरे में, जल्दी चलो जाओ। और घर में मेरे पूरा अंधेरा हो रखा है क्योंकि शायद चेरी को बाहर जाना है, चेरी को शायद सुसु या पोटी आया हुआ है तो उसको बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाएगी, चलो फिर बाहर चले, चलो अब वहीं क्या गोल गोल नाची जा रही है चक्री की जैसे, चलो चले, चलो गेट खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे, वो गेट खोल ले, ये खुल गया। अरे भाई हम ही गिरे जा रहे हैं, जाओ कहाँ जाना है, डरपोक लड़की, जानवर देख के डर जाती है। ये लोई जो है मुझे खिलानी है गाय को, तो मुझे उस समय गाय नहीं मिल रही थी तो मैं अभी दिख गई है, वो खड़ी है। गाय ने गले में बेल्ट लगा रखी है, किसने बांधी है गाय? पाल लेते हैं खाली इनका, पता है दूध दूहने के बाद ना छोड़ देते हैं ऐसे घूमने के लिए। लो आ आओ आओ आ लो खा लो खा लो। थोड़ा वहीं से गाय को खिला के लो ही ना, उनके यहाँ चली गई थी जिनके यहाँ मैंने ब्लाउज अपने स्टिचिंग के लिए दिए हुए हैं, तो वही मैं पूछने गई थी बन गए कि नहीं बन गए, तो अगर बन जाए तो मैं ले लूँ क्योंकि मैं थोड़ा करवा चौथ लुक और क्या बोलते हैं उसको नवरात्रि लुक आ रहा है, गरबा वाला लुक ये सब क्रिएट करने का सोच रही थी, तो अभी वो बोल रही है कल या परसों तक मैं सिल के तैयार हो जाए क्योंकि साड़ी भी फाल पीको के लिए दी है, तो वो सब बन के तैयार हो जाएगी फिर मैं लुक क्रिएट करूँगी। सो अभी मैं दिखाती हूँ क्या बना रही थी।
तो मैं बना रही थी ये मिठाई जो कि ये रखी हुई है, अभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इसमें क्योंकि मेरे हाथ धुले नहीं है, अभी बाहर से आई हूँ तो ये अभी बनी नहीं है। बस मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा था, ये ठंडा हो गया है, अब मैं इसकी बनाऊंगी जो बनाना है मुझे और बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी मिठाई बनकर रेडी हो गई है और ये चाय मैंने ग्लास से कट किए हैं, ये ऐसे कतली के उसमें शेप में। तो ये बेसिकली है बादाम की बर्फी, बर्फी बोल दो या जो नाम लेना हो। सो ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गई है। सो जैसा कि आप सबको पता है कि समय समय पे हमारे घर में एक मास्टर शेफ आते रहते हैं जो अपनी कारीगरी दिखाते रहते हैं ब्रेड के ऊपर, सिर्फ ब्रेड के ऊपर। सो वो आ चुके हैं और वो सैंडविच बना रहे हैं सिर्फ अपने लिए। कितने सैंडविच हैं? 1, 2, 3, 4। तुमने कहा था 3 बनेंगे? 3 ही तो हैं। चटोरा कहीं का रोटी नहीं खाता है? नहीं खाओगे? तुम्हें आज लौकी की सब्जी खिलाएंगे हम। देख, अरे मैं तो मुंह, पता है वो टाइसन वाली जाली जो है ना, मुंह में लगा के ठूस दूंगी। अगर वो मेरे मुंह में लगाओगी तो खाना कैसे खाएगा? मैं सब डाल दूंगी। और ये बन रही है मेरी चाय जो कि अभी मैं पीऊंगी और फिर ये जितना मैस फैला रहा है वो सारा क्लीन कर देना, ठीक है गादा। और यहाँ पे बेटू एज यूजुअल पढ़ाई करती हुई अच्छी बच्ची के तरीके। और ये घोड़ी ये गई थी बाहर और ये कीचड़ देखो कैसे अपने मत्थे में भी कीचड़ लगाए हुए है, कीचड़ में चारों पैर इसने कीचड़ में छाने हुए थे। कीचड़ में कौन गया था? कौन गया था कीचड़ में? कौन गया था? गंदगी किसने की थी? किसने गंदगी मचाई है? हैं, किसने मचाई है गंदगी? ये घुस गई चोर, वहाँ जगह भी नहीं घुसने लायक, अब वहाँ भी घुसेगी। चोर किसने किया जल्दी बताओ, कौन गंदगी में घुस गया था? कीचड़ लगा के कौन आया था? तुम आई थी ना कीचड़ लगा के? हाँ बस घुस के बैठ जाएंगी। ये देखो बाल कैसे भरे हुए इसके, झाड़ू लगाओ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कुत्तों की वजह से सफाई नहीं रह सकती, इसलिए मैंने इसको अब अंदर कमरे में रखना बंद कर दिया है। क्योंकि अंदर कमरे में रहती थी इतने बाल और एसी में, एसी चलती है ना जब, तो वो और खींचती है अपनी तरफ तो पूरा उसमें भरता है, और सांस लो ना तो सांस लेने में भी मेरे नाक में जाते, तो इसे मुझे इतनी छींकें आती थी, मुझे लगता है मुझे कुत्तों से ही एलर्जी है, तो मुझे कुत्ते हटा देने चाहिए लगता है अपने घर से, बट पॉसिबल नहीं है वैसा। सो मैंने सोचा कि अब रात ऑलमोस्ट हो गई है, 6:30 हो रहा होगा ना बेटू, 6:30 हो रहा है, तो अब मैं खाना वाना बनाऊँगी अपना। सो अभी मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद खाना पीना करना है मुझे, खाना बनाऊँगी और बच्चों को खिला के सुला दूँगी। वैसे कल संडे है, हट गंदा। सो मैं इस ब्लॉग को यही पे एंड कर देती हूँ, नहीं ब्लॉग लंबा होने वाला है थोड़ा। सो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे और ये नाक के इनके छेद देख लीजिए खानदानी नाक इनकी। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर पहली बार आप मुझे देख रहे हैं तो अच्छा लाइक नहीं चलाइए और क्या, हाँ बेल आइकन हिट कर देना, ऑल का नोटिफिकेशन हिट जरूर करना, जरूर मत भूलना, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचता रहेगा और आप मेरे साथ बने रहेंगे। सो मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।